साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेशम लॉ के बारे में। देखिए, ग्रेशम लॉ सिंपली ये कहता है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ठीक है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। अगर बैड मनी और गुड मनी दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी इकोनॉमी में, तो ये जो बैड मनी है ये गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अब जैसे समझिए कि हमारे पास गोल्ड क्वाइन है और हमारे पास एक सिल्वर क्वाइन है। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन को हम कंसिडर करते हैं कि ये एक गुड मनी है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक गुड मनी है। सिल्वर कॉइन बहुत मल्टीपल इसके यूजेस नहीं है, इसलिए हम इसको कंसिडर करके चलते हैं बैड मनी। देखिए, यूजेस भी आप कह सकते हैं और एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। गोल्ड का अगर आप देखेंगे तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इसकी खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम सिल्वर कॉइन के साथ इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो हम हाइपोथेटिकली कंसिडर करके चलते हैं कि गोल्ड क्वाइन जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसको हम कंसिडर करके चलते हैं गुड मनी। और सिल्वर क्वाइन इसकी क्योंकि खुद की अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम बैड मनी कंसिडर करके चल सकते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में ग्रेशम लॉ क्या कहता है कि बैड मनी जो है इसने गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल देना है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये जो सिल्वर क्वाइन है, अगर किसी देश में दो क्वाइंस सर्कुलेशन में है, गोल्ड क्वाइन और सिल्वर क्वाइन, तो सिल्वर क्वाइन का जो यूजेस है वो किसी देश में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये जो गोल्ड क्वाइन है इसका यूजेस बहुत ज्यादा कम हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है इसको अभी हम इस पूरे लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि ग्रेशम लॉ का कॉन्सेप्ट दिया किसने। तो साथियों, इस पर्सन का नेम था थॉमस ग्रेशम और ये 16th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे। इनफैक्ट क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी थे। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रेशम लॉ है ये कैसे काम कर रहे हैं। अब ये एग्जांपल ध्यान में हमने रखना है, गोल्ड क्वाइन को हम गुड मनी कंसीडर कर रहे हैं, सिल्वर क्वाइन को हम बैड मनी कंसीडर कर रहे हैं। तो कहते हैं गुड मनी इज होल्डेड, जो गुड मनी है लोग इसकी होल्डिंग करना चालू कर देते हैं। अब इसी के साथ आप कनेक्ट भी कर लोगे, देखो गोल्ड क्वाइन सर्कुलेशन में, सिल्वर क्वाइन भी सर्कुलेशन में, दोनों क्वाइंस सर्कुलेशन में है एट द सेम टाइम। अब आपको पता है क्योंकि गोल्ड के वेरियस यूजेस हैं, इसे आप ज्वेलरी बना सकते हो, मेडिसिन में इसका यूज होता है, मल्टीपल इसके यूजेस हैं, तो लोग क्या करेंगे इसको होल्ड करना चालू कर देंगे। अब देखो, अगर दो क्वाइंस सर्कुलेशन में और एक का अगर होल्डिंग करना चालू कर दिया तो सिंपल सी बात है दूसरा ही तो बचेगा ना सिर्फ। ठीक है, दूसरा कौन सा बचेगा, बैड, जिसका यूजेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से हम समझ रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्रेशम लॉ तो बिल्कुल ठीक ही है। दूसरा, ये जो गुड मनी है इज मेल्टेड, तो जैसे ये पिछले वाले पॉइंट से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, गोल्ड का क्योंकि मल्टीपल यूजेस है तो इसको मेल्ट करके इसके अलग अलग ज्वेलरीज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्रेशम लॉ एप्लीकेबल है, ये बात ठीक है बिल्कुल। गुड मनी इज एक्सपोर्टेड, तो गुड मनी जो है ये कई बार एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्यों, देखो अब इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रहा है, देखो आज के टाइम में तो ट्रेड बहुत ईजी हो चुका है, बहुत सारे हमारे पास इंटरनेशनल करेंसीज हैं, डॉलर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक करेंसी है, और आज के टाइम में तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे देश एक दूसरे की करेंसी को भी आज के टाइम में एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब एक कॉमन करेंसी डॉलर ही क्यों है, बायलैटरल अग्रीमेंट के थ्रू दो देश अपने अपने देश की करेंसी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें तो वहाँ पे जो ट्रेड था उसका जो मीडियम होता था वो अक्सर साथियों गोल्ड होता था। ठीक है, या फिर कोई और दूसरा प्रीशियस मेटल होता था, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो यूनिवर्सली बहुत ज़्यादा है, कॉमन है, एक जैसा ही है, वो वेरी नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था तो इंटरनेशनल ट्रेड का जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था वो साथियों वैल्यूएबल कमोडिटी होता था। इस केस में हम कंसिडर करके चलते हैं कि गोल्ड है। ठीक है, तो गोल्ड में अगर ट्रेड हो रहा है तो वो दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स अब आपको क्लियर होंगे कि ग्रेशम लॉ आखिरकार काम कैसे करता है। अब थोड़ा हम समझें कि किस किस सिचुएशन में किस किस मनी को हम गुड मनी कंसिडर करें और किस किस मनी को हम बैड मनी कंसिडर करें। तो देखो, अगर हम मोनोमेटलिज्म की बात करें, मोनोमेटलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे आप एक ही मेटल का कॉइन बना रहे हो। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप कॉइन बनाओगे वो नया होगा बिल्कुल, लेकिन एक साल, दो साल, पाँच सालों के बाद में वो बिल्कुल पुराना हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो पुराना हो जाएगा कॉइन, जो ओल्ड हो जाएगा, उसको हम कंसिडर करेंगे बैड मनी, और जो नया कॉइन आएगा उसको हम कहेंगे गुड मनी। ठीक है, और ये स्वाभाविक भी है। आप इसको ऐसे समझिए कि अब आपके पास एक 10 रुपये का सिक्का है। ठीक है, एक बिल्कुल नया नया है और एक आपके पास बिल्कुल पुराना है, 4-5 साल पुराना हो चुका है। आप दुकान पे जाकर कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, आप क्या करोगे, पुराने वाले को दोगे ना शॉपकीपर को, नए वालों को आप रख लोगे। तो बस यही तो है ग्रेशम लॉ, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी।
ऐसे ही अगर हम बाइमेटलिज्म की बात करें, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हमने पिछली स्लाइड में ही देखा है कि कैसे गोल्ड को हम प्रिजर्व कर लेंगे क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस हैं और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत लिमिटेड है। पेपर स्टैंडर्ड के साथ ही अगर हम बात करें तो मान लो एक ऐसा पेपर स्टैंडर्ड है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो पेपर मनी में हो रहा है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम सपोज करो कि कुछ लिमिटेड अमाउंट में गोल्ड क्वाइन भी यूजेस में अगर है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो गुड मनी है ये किसको कंसिडर करेंगे? गोल्ड क्वाइन को। और बैड मनी किसको कंसिडर करेंगे? पेपर मनी को, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, लोग गोल्ड क्वाइन को प्रिजर्व करना, होल्ड करना चालू कर देंगे और सिर्फ पेपर करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरीके से जो ये बैड मनी है, पेपर स्टैंडर्ड, पेपर करेंसी जो है, ये गुड क्वाइन जो कि है गोल्ड क्वाइन, इसको ड्राइव आउट कर देगा इकोनॉमी से, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं इसके लिमिटेशन कि ये जो ग्रिशम लॉ है ये कब वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है यूजफुलनेस ऑफ गुड मनी। अब देखो, अब ये जो गुड मनी है अगर इसका यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यूज मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है सपोज करो, ठीक है, अगर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ओबियस ही बात है कि लोग इसको प्रमोट करेंगे, इसके यूजेस को, ठीक है। तो अगर दो क्वाइंस है हमारे पास में, ठीक है, और गुड मनी का यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है, यूजफुलनेस इन कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ये लिक्विड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये ग्रेशम लॉ नहीं काम करेगा। दूसरा, सफिशिएंट मनी सप्लाई। अब देखो, गोल्ड क्वाइन और सिल्वर क्वाइन दोनों अगर सर्कुलेशन में है तो आप कह सकते हो कि क्योंकि गोल्ड की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके क्वाइंस भी बहुत कम होंगे। अब क्योंकि सिल्वर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका क्वाइन भी अबंडेंस में होगा, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेशम लॉ तो काम करेगा ही। लेकिन अगर मान लो दो कुछ ऐसे मेटल हम लेके चलते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है मनी सप्लाई भी सफिशिएंट मात्रा में होगी। तो गुड मनी और बैड मनी अगर दोनों इक्वल अमाउंट में अगर सर्कुलेशन में है तो ऐसे सिचुएशन में ग्रेशम लॉ वैलिड नहीं होगा। और वैसे ही अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कि गोल्ड क्वाइन है और सिल्वर क्वाइन है, गोल्ड हमने कह तो दिया लेकिन वो गोल्ड क्वाइन जो है उसमें गोल्ड सिर्फ 5% ही है, तो लोग क्यों इसको होल्ड करेंगे? तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकता है। एक्सेप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर मान लो लोगों ने बैड मनी को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, ऐसे सिचुएशन में ग्रेशम लॉ नहीं चलेगा। ऐसे अगर हम बात करें, अगर सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बैंकिंग हैबिट लोगों के बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या गुड मनी और क्या बैड मनी? डिजिटल मनी की जब हम बात करते हैं तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा गुड मनी है कौन सा बैड मनी है? तो ऐसे सिचुएशन में भी ग्रेशम लॉ काम नहीं करेगा। और ऐसे ही कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है, तो अगर मान लो कि बैड मनी बहुत ज़्यादा कन्वर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में भी ग्रेशम लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप यू पीपल एंजॉय दिस टॉपिक, ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।